हल्द्वानी शहर के विभिन्न मंदिरों में धूमधाम से बजरंग बली का जन्मोत्सव मनाया गया। बता दें कि प्राचीन श्री राम मंदिर, रूपनगर स्थित बालाजी मंदिर और कालू सिद्ध मंदिर समेत नैनीताल के हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगना शुरू हो गई। इस दौरान भजन मंडली ने एक से एक बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति से माहौल भक्तिमय कर दिया। इसके तहत ही रूपनगर स्थित त्रिपुरेश्वरी शक्तिपीठ में श्री बालाजी का अलौकिक श्रृंगार कर उन्हें लड्डुओं का भोग लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और आज यहीं पर हमने एक छोटा सा यहाँ पर भंडारा कर रखा है और सभी को हनुमान जयंती की बधाई देने के लिए यहाँ पर, जैसे हनुमान जी को बोलते हैं कि उनको मीठा हमेशा चढ़ता है, तो उन्हीं की पसंद का आज यहाँ पर हलवा और केले हमने यहाँ पर सभी जनता को बांटने के लिए यहाँ पर व्यवस्था करवाई है। और सभी दोस्तों के साथ मिलकर हनुमान जयंती की सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जो 8 जीवित जो महापुरुष हैं हमारे, जो पुराण कहते हैं, उनमें बजरंग बली का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और बजरंग बली को माता सीता और माता पार्वती दोनों का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त है। और उनको यह आशीर्वाद प्राप्त है कि इस कलयुग में जितने भी लोग कष्ट में, जो दुखी लोग होंगे, उनको आप आशीर्वाद प्रदान करेंगे तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसलिए हम विगत 16 वर्षों से ये हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं। और जितनी हमारी श्रद्धा हो सकती है, जितनी हमारी कुव्वत है, जितनी हमारी ताकत है, हम उस हिसाब से इस प्रोग्राम को भव्य से भव्य बनाने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री जो हनुमान है हमारे, और उनकी प्रति जो लोगों में आस्था है, और जिस प्रकार से उनका एक निस्वार्थ भाव से उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा करी, सीता माता की सेवा करी, उसी निस्वार्थ भाव से उनके भक्त भी निकले हैं उनका संदेश लेकर। और प्यार का संदेश है, तपस्या त्याग का संदेश है, और आत्मीयता और प्रेम का संदेश है। सारे भगवान श्री हनुमान के जितने भी भक्त और अनुयायी हैं, और जब कठिन समय आता है, कठिन परीक्षा आती है, सबसे पहले हम उन्हीं को याद करते हैं। तो आज अवश्य जो भी कोई व्यक्ति कठिनाई में, मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूँ, उनके भी संकट विमोचक बनकर उनके घरों में आशीर्वाद दें। आज कलयुग के टाइम में हनुमान जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं, साक्षात हनुमान जी है। हनुमान जी अब जीवित आत्मा में हैं, इसलिए हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन को हम बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है यहाँ पर रूपनगर में, जो बालाजी का दरबार है वहाँ पर बहुत अच्छा रात को जागरण वगैरह वगैरह होगा, और पूरा भंडारा वगैरह वगैरह सब किया जाता है।